हम आपको मिलवाने वाले हैं साउथ एक्ट्रेसेस के पतियों से, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे जरिए बताया जाने वाला कोई भी शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आइए दोस्तों करते हैं शुरू। नंबर एक, समंथा एक्केननी। समंथा साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने खुद के दम पर अपना नाम बनाया है। समंथा ने साउथ इंडियन सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, जिसमें थैरी और सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। समंथा ने 7 अक्टूबर 2017 को नागार्जुन के बेटे और तेलुगु सिनेमा के मशहूर एक्टर नागा चैतन्य से शादी करी है। नंबर दो, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल ने साउथ इंडियन सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखाया है। काजल मगधीरा, सिंघम, मर्सल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। काजल ने 30 अक्टूबर 2020 को इंडियन बिजनेसमैन और इंटीरियर डिजाइनर गौतम किचलू के साथ शादी की। नंबर तीन, श्रिया सरन। श्रिया 2015 में दृश्यम और 2007 की सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर शिवाजी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। श्रिया ने 12 मार्च 2018 को नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर और बिजनेसमैन आंद्रेई कोस्चीव के साथ शादी की। नंबर चार, नम्रता शिरोडकर। 1993 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स नम्रता शिरोडकर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिसमें संजय दत्त की वास्तव फिल्म भी शामिल है। नम्रता ने 22 फरवरी 2005 को अपने वामसी फिल्म स्टारर प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू के साथ शादी की। नंबर पाँच, रश्मिका मंदना। नेशनल क्रश मानी जाने वाली रश्मिका मंदना ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें गीता, गोविंदम, सरीलेरू निकेवरू जैसी फिल्में शामिल हैं। सबके मन में ये कन्फ्यूजन है कि रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विजय देवरकोंडा की रश्मिका ना तो वाइफ है ना ही गर्लफ्रेंड। विजय और रश्मिका दोनों ही अनमैरिड और सिंगल हैं। नंबर छः, ज्योतिका। ज्योतिका ने तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ज्योतिका को नागार्जुन स्टारर मास मूवी से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। ज्योतिका ने 11 सितंबर 2006 में साउथ के मशहूर एक्टर और सिंघम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके सूर्या के साथ शादी की। नंबर सात, राधिका पंडित। राधिका पंडित एक इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। राधिका ने कन्नड़ सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें मिस्टर और मिसेस रामाचारी जैसी फिल्में शामिल हैं। राधिका ने 9 दिसंबर 2016 को अपने को स्टार और साउथ के टॉप एक्टर्स में से एक यश के साथ शादी की। नंबर आठ, रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु और तमिल फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। रकुल सर रिनाडो और जया जानकी नायका जैसी फिल्म्स के लिए जानी जाती हैं। खबरों की माने तो रकुल प्रीत और बाहुबली एक्टर राणा दग्गुबाती रिलेशनशिप में हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में रकुल ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। नंबर 9, एमी जैक्सन। ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल एमी जैक्सन ज्यादातर अपनी हिंदी और तमिल सिनेमा के लिए प्रसिद्ध हैं। एमी जैक्सन ने रोबोट 2.0 और सिंग इज ब्लिंग जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया है। एमी जैक्सन ने ब्रिटिश बिजनेसमैन जॉर्ज पेनियोटो के साथ शादी की है। नंबर 10, कृति खरबंदा। कृति खरबंदा एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हैं, जो कन्नड़, हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म्स में काम करती हैं। कृति हाउसफुल 4 और गुगली जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल कृति अपने को स्टार पुलकित सम्राट के साथ कई सालों से डेट कर रही हैं और जल्द ही वो पुलकित के साथ शादी करने वाली हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आगे भी ऐसे कमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।